है hey एवरीवन कैसे हैं सब आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लेकर के आए आ, आ गए हैं फिर से एक न्यू रेसिपी जो सबकी बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है जो है पकौड़ा कढ़ी कैसे बनाते हैं वो हम आज सीखेंगे सो लेस्ट स्टार्ट चलो चलते हैं उसके लिए लिया है मैंने ये मिक्सिंग जार ले लिया है उसमें डाल देंगे मैं अपरोक्ष डेढ़ कप बेसन ऐड कर देंगे और इसको इसलिए आप मिक्सिंग जार में भी इसको मिक्स कर सकते हैं या फिर आप मथानी से भी मिक्स कर लें या फिर हाथ से भी कर सकते हैं और हम इसलिए इसको मिक्स मिक्सी से कर रहे हैं क्योंकि इससे करने से क्या होता है हमारी मेहनत भी बच जाती है और अच्छे से ही मिक्स हो जाता है इसको फिर रेस्ट भी करा होता है ये मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं जिसमें था थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लिया है मैंने ये रेड चिली पाउडर इसको मैं ऐड कर दूँगी और इसमें ऐड करूँगी ये मैंने लिया है कड यानी दही डेढ़ से दो कप दही होगा और इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी इसलिए ये चलाना ज़रूरी होता है कि अच्छे से दही और बेसन का जो मिक्सअप है वो अच्छे से हो जाएगा अच्छे से दही और बेसन एक में ही मेल्ट हो जाएंगे और हाथ से करेंगे मथाने से करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और इतने अच्छे से हो भी नहीं पाएगा इसके लिए देखिए हमारा मिक्स हो बन के हो गया है रेडी इसको मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है फ रोक टू आवर के लिए तब तक मैं क्या करूँगी पकौड़े का बैटर बना के रेडी कर लेती हूँ पकड़ों की तैयारी कर लेती हूँ ये लिया है मैंने एक कप लिया था बेसन उसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए जैसे धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और कुछ लिया था मैंने रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हींग और ये कटा हुआ प्याज ले लिया था बारीक प्याज आप प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं डालना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है बिन, बिना विदाउट प्याज के भी बना सकते हैं इसलिए मैंने डाला है और आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग जो सोडा होता है खाने वाला वो भी डाल सकते हैं उससे क्या होगा हमारे पकौड़े एकदम फ्लफी और फूले फूले बनेंगे और बनेंगे तो ऐसे भी और उससे भी और भी ज़्यादा फ्लफी होंगे फूल जाएंगे और ये रेस्ट बैटर को हम क्या करेंगे एक ही मतलब अपरोज फाइव मिनट तक इसको अच्छे से हम चलाएंगे जिसमें इसमें बबल्स बनने हवा भर फिल हो जाए और ये रख दिया है मैंने कढ़ाई उसमें डाल दिया ऑयल जिससे कि मैं ये पकौड़े तब तक तल के निकाल सकूँ ये देखिए इसको अच्छे से बैटर को मिलाएंगे जिससे कि इसमें एयर थोड़ी सी फिल हो जाए जो हमारे पकौड़े गोल गोल बने अच्छे से फूले फूले बनेंगे और बैटर को क्या है बहुत ज़्यादा मतलब लूज नहीं रखना है बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं सॉफ़्ट बैटर इसका बना के तैयार करना है जिससे हमारे पकौड़े अच्छे से एकदम गोल गोल बनेंगे अगर बैटर टाइट होगा तो हमारे पकौड़े हैं ना उनका आकार जो गोल नहीं बनेगा वो मतलब कुछ पूँछ जैसा बन जाता है ना लंबे से पकौड़े बन जाते हैं इसके लिए बैटर को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है ये देखिए मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और, और इसको हल्की आंच में ही पकौड़ों को तलना है जिससे कि हमारे पकौड़े अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट तल तल के रेडी हों और उसको धीरे धीरे हल्की आंच में ही रेडी करना है ये देखिए हमारे पकौड़े अप्रोक्स रेडी ही होने वाले हैं और इसको मैं क्या करूँगी दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लूँगी निकाल लूँगी ये देखिए हमारे पकौड़े तल के हो गए हैं रेडी अब इसी बैटर में मैंने दूसरा बैच डाल दिया था वो भी अप्रोक्स रेडी हो गया है उसको भी निकाल लेंगे पकौड़े हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं बन के रेडी ये देखिए पकौड़े मैंने इतने ही बनाए हैं ये हमारे देखिए गोल पकौड़े बने हैं और एकदम अंदर से सॉफ्ट पकौड़े बने हैं इस तरह से इनको तब तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे अब लेंगे हम भगवान जार लेंगे एक मतलब जिसमें हम कढ़ी घोलेंगे लेंगे बनाएंगे ये मैंने लिया भगौने भगौने में इसलिए कड़ी बनाएंगे अच्छा होता है क्योंकि कढ़ाई में ना कड़ी फैल जाती है जब वो वैसी फदकती है तो छीटे इधर उधर चले जाते हैं इसमें ना इधर उधर नहीं जाएगी अच्छे से इसी में रहेगी तो इसके लिए आज मैं भगौने में ही कढ़ी बना के दिखाऊंगी उसमें मैंने डाले मस्टर्ड ऑयल ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया है उसमें तो कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ी सी ली है मेथी मेथी दाना वो लिया है वो डाल दिया है और थोड़ा सा लेंगे हल्दी ये हींग पाउडर लेंगे वो डाल देंगे इनको अच्छे से तड़क जाने देंगे मतलब भुन गया है अब इसमें जो मैंने बैटर करके रेस्ट करके रेडी रखा हुआ था ना वो अप्रोक्स वन आवर हो गया है मेरा बैटर एकदम से सेट हो गया है इसको डाल देंगे और इसका अप्रोक्स आठ गुना पानी डालेंगे ये देखिए मैंने जितना ए, सफिशेंट पानी था वो मैंने डाल दिया जिससे कि हमारी कढ़ी एकदम से थिक भी ना बने और बहुत ज़्यादा पतली भी ना बने तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया है कढ़ी में और इसको चलाएंगे अप्रोक्स टेन से फिफ्टीन मिनट कंटिन्यू कंटिन्यू एकदम बिना रेस्ट के चलाते रहेंगे कड़ी को आराम कंटिन्यू रखेंगे नहीं तो क्या होगा हम ए, चलाना बंद कर देंगे तो हमारा जो बेसन है वो नीचे बैठ जाएगा और हमारा दही है वो फट जाएगा तो हमारी कढ़ी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी इसके लिए इसको कंटिन्यू कंटिन्यू चलाते ही रहना है चलाते रहेंगे कंटिन्यू अप्रोक्स क्या है तो जब इस कढ़ी हमारी अच्छे से बॉयल आने लगेगा तब तो उसमें तब हम नमक ऐड करेंगे पहले नमक इसलिए ऐड नहीं करते हैं क्योंकि पहले नमक ऐड कर देंगे तो इससे होगा ये कि हमारी कड़ी फटने के चांस रहेंगे कड़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, सेट भी नहीं हो पाएगी और कड़ी हमारी फट जाएगी इसके लिए उसको नमक है ना तब ऐड करते हैं जब कड़ी में अच्छे से बॉयल आने लगता है तब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक ये देखिए हमारी कड़ी में बॉईल अच्छे से आ रहा है ये देखिए किस तरह से अच्छे से एकदम से कड़ी हमारी बॉईल होने लगी ये देखिए कि इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है ये हमारी अब इस इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पकौड़े क्योंकि पकौड़े डालने के बाद भी मुझे फाइव से सेवन मिनट तक पकाना होता है क्योंकि अच्छे से पकौड़े भी हमारे सेट हो जाए इसलिए इसको कड़ी को तकरीबन फ़ाइव से टेन मिनट तक फिर पकाएंगे जिससे पकौड़े के अंदर पकौड़े क्या है अंदर तक फूल जाएंगे इसमें रहने से इसलिए इसको फाइव से टेन मिनट तक रेस्ट भी कराएंगे कर, पकौड़े तो डालने के बाद भी और इधर ये ले लिया है मैंने तवा इसमें तड़का तड़का देंगे जो कढ़ी के ऊपर तड़का लगाते हैं ना कश्मीरी मिर्च का और जो कुछ मसाले जैसे कि लाल मिर्च खड़ी लाल मिर्च इनका तड़का लगाते हैं इसके लिए मैंने ले लिया है तवा उसमें डाल दिया है मैंने तेल मस्टर्ड ऑयल अब इसमें डालेंगे कुछ राई ये मैंने राई ली है आपको जो पसंद हो वो आप डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं और ये मैंने लिया था कस हरी मिर्च को खड़ा खड़ा काट लिया था वो लिया है और लिया था मैंने रेड चिली पाउडर ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है इसको मैं तड़का बना के और इसके कढ़ी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे क्या है जो हमारे कढ़ी का फ्लेवर होता है टेक्स्चर होता है वो और भी इनहेंसिंग हो जाता है और भी अट्रैक्टिव अच्छा लगने लगता है इसको डालने के बाद मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब ये हमारी जो कढ़ी है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है इसको अब हम सर्विंग लेंगे सर्व करने के लिए अब रेडी हो गई है ये मैंने ले ली है सर्विंग थाली अब इसमें मैं सर्व कर लूँगी ये मैंने ले ली चावल परोस दिए हैं ये मैंने बनाया था आज कड़ी और चावल बन बनाया था ये ओनली और ये मैंने चावल परोस दिए हैं अब इसी में मैं लगाऊँगी इसी में खड़ी को परोस लूँगी साइड से इस तरह से देखिए हमारी कढ़ी का जो टेक्सचर है कितना अच्छा आया हुआ है जो इसका जो मतलब ना ही ये पतली है ना ही ये गाढ़ी एकदम टेक्स्चर और, और जो पकौड़ों का साइज था वो भी फूल के डबल हो गए हैं क्योंकि इसको मैंने बना के रेस्ट करने के लिए अप्रोक्स टेन से ट्वेंटी मिनट के लिए रख दिया था तो जो हमारे पकौड़े हैं वो भी अच्छे से फूल के डबल साइज के हो गए हैं और हमारी जो थाली है वो भी बन के हो गई है रेडी इस तरह से देख तो गाइस थाली हो गई है रेडी खाने के लिए हो जाइ तेरा देखिए ये मैं आपको पकौड़ा काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना हुआ है पकौड़ा एकदम स्मूदली अच्छे से ए, कट जा रहा है ये चम्मच से अच्छे से सर्व हो रहा सो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वॉचिंग मी